गाइज गुड मॉर्निंग। सो जैसे कि आप देख रहे हो आज सुबह सुबह यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश हो गई है और ये रहा मेरी बालकनी का, मेरे टेरिस गार्डन का स्टेटस। जैसे कि आप देख पा रहे हो बहुत प्यारे लग रहे हैं ना, बारिश की बूंदें जमा हो गई हैं इन पर, तो ये और भी ज़्यादा अच्छे लगने लगते हैं। सो गाइज़ आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा मायका ब्लॉग। जी हाँ गाइज, एंड ये जो ब्लॉग है ये मेरे हार्ट के बहुत ज़्यादा क्लोज है। इसको एडिट करने में ही मैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। सो आई होप गाइज़ आपको भी ये जो ब्लॉग है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। एंड ये ब्लॉग मैंने 2 से 3 पार्ट्स में आपके साथ शेयर किया है गाइज, सो डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट ऑल द पार्ट्स ऑफ दिस ब्लॉग। एंड आई होप गाइज़ आपको ये ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। सो अगर रियली आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो या कीप वॉचिंग। हे गाइज गुड मॉर्निंग, व्हाट्स अप, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज मैं ले रही हूँ अभी अपनी चाय। बाय द वे गाइज ये मेरी सेकंड डे है, एक चाय मैं पहले ले चुकी हूँ। मुझे एक्चुअली गाइज आज जाना है मेरी मम्मी के घर और एक्साइटमेंट आप देख सकते हो मेरे फेस पर गाइज। मैं 2-3 दिन से तैयारी कर रही थी बेसिकली गाइज मम्मी के यहाँ जाने की, और आप देख सकते हो मैंने मेहंदी भी लगा ली है मेरे दोनों हाथों पर, ये मैं रात को लगाकर सो गई थी गाइज। आज से ही अपना ब्लॉग शूट करना स्टार्ट कर दिया है बेसिकली, आज फर्स्ट डे है गाइज। और मैं कोशिश करूंगी कि जितने दिन भी मैं मम्मा के पास रुकती हूँ ना आपके साथ डेली ब्लॉग शेयर कर सकूं। एंड आई होप गाइज कि आपको मेरे ब्लॉग्स भी पसंद आएंगे, एंड मेरी फैमिली स्वीट सी फैमिली है जो, वो भी आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी। शाम को 4 बजे की हमारी ट्रेन थी और अभी टाइम हो रहा था समथिंग 9:30, और अभी मैंने किचन के भी काम नहीं फिनिश किए थे, काफ़ी सारे काम पेंडिंग थे मेरे लिए। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट कर दिया था पैकिंग करना, और पैकिंग मेरी ऑलमोस्ट रेडी हो ही गई है गाइस। सिर्फ 2-2 पेयर ही लिए थे मैंने, ज़्यादा कपड़े नहीं लिए थे, फिर भी काफ़ी सामान हो गया था साथ में ले जाने के लिए। आप चाहे कितने भी कम टाइम के लिए जाओ, बट ट्रैवलिंग जब आप करते हो तो आपका लगेज बढ़ ही जाता है, तो सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी हो गई थी। तो मैंने कुछ 2 साड़ियाँ सेलेक्ट की हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट हैं एंड काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल है, एंड 2 ही ड्रेस मैंने रख ली हैं, सूट मैंने रख लिए हैं रेगुलर यूज़ के लिए, और बस इतना ही सामान था जो कि मैंने पैक कर लिया है। इतने से सामान में भी गाइज 2 बैग मैंने फुल कर दिए थे अपने, एंड यू कैन सी गाइज कितना बड़ा बैग था जो कि कपड़ों से ही फुल हो गया था। एंड एक जो सेकंड बैग था गाइज उसमें मैंने अपना कुछ एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ था, लाइक माय फुटवेयर एंड माय मेकअप एंड कुछ छोटे मोटे एक्सेसरीज जो हो जाती हैं गाइज वो हो गई थी। सो या एंड मैंने अपना बैग भी यहाँ पर प्रिपेयर कर लिया है, एंड थोड़ा बहुत सामान भी मैंने सिलेक्ट कर लिया है सफ़र के लिए। अभी मैंने अपने कैमरे को इधर ही सेट कर लिया है, और मैंने नहाने के बाद कुछ भी स्किन केयर नहीं किया है। आरओ को मैंने रेडी कर दिया है अभी से ही, क्योंकि 1-1.5 घंटे बाद हमें निकलना है गाइस, और ये अभी से ही रेडी रहेगा तो मेरे लिए हेडेक कम हो जाएगा। सो ये है मेरा बैग गाइज, और इसमें मैंने क्या क्या रखा है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो कूलर चल रहा है सो बहुत ज़्यादा सो रहा है। सो सबसे पहले मेरे हाथ में आया है गाइज ये बेबी वाइप्स, हिमालया के बेबी वाइप्स है यार, इसको मैं जरूर कैरी करती हूँ अपने साथ में सफर में, इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है मेरे पास ये सैनिटरी पैड्स, इसके बाद मेरे बैग में निकल रहे हैं गाइज ये कॉन्टैक्ट लेंस जो कि मंथली कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं, पावर वाले हैं बाय द वे ये गाइज। एक निकला है मेरे बैग में ये रबड़ बैंड जो कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है क्योंकि मेरे बालों की लेंथ काफ़ी अच्छी है गाइज, बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट मेरे हाथ में आई है गाइज ये थ्रेड, और थ्रेड मैं हमेशा रखती हूँ मेरे बैग में गाइज। सिर्फ यही थ्रेड नहीं गाइज, मैं आईब्रो वाला थ्रेड भी अपने साथ रखती हूँ, बिकॉज आप सबको पता है कि मैं सेल्फ थ्रेडिंग कर लेती हूँ, तो थ्रेड्स मुझे काफ़ी जगह पे काम में आ जाता है गाइज, इसीलिए मैं हमेशा कैरी करती हूँ मेरे साथ में। नेक्स्ट मेरे हाथ में आया है गाइज ये है लोटस का सेफ सन सनस्क्रीन गाइज, तो सनस्क्रीन हमेशा मैं साथ में लेके चलती हूँ, मेरे बैग में हमेशा रहता ही है।
वो है ये डव का डिओडेंट। डिओडेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है गर्मियों में। और मेरे पास है कुछ लिपस्टिक्स एंड ये है आरू आप आगे से हटो, ये है बीबी क्रीम जो कि क्योंकि गाइज मैं बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करती हूँ और स्पेशली मम्मी के यहाँ तो मैं मेकअप करती ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं करती। लिपस्टिक भी रेगुलर मैं कब भी यूज़ नहीं करती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है पापा के सामने भैया के सामने लिपस्टिक अप्लाई करना। सो मैंने ये तीन लिपस्टिक यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं गाइज जो कि एकदम से न्यूड है, आप सबको पता है, जो कि मैंने स्पेशली रखी है रक्षाबंधन के लिए और रक्षाबंधन वाले दिन ही मैं इनको अप्लाई करूँगी। एक मैंने लिया है मस्कारा गाइज और एक है मेरे पास ये बीबी क्रीम और ये है एक NYB शक्ति का जो लिपस्टिक मैंने आपके साथ रिव्यू अभी शेयर किया है इसका वो वाले लिपस्टिक है गाइज ये। तो बेसिकली मेरे पास तीन लिपस्टिक हैं, एक मस्कारा है और एक बीबी क्रीम है और एक है मेरे पास कॉम्पैक्ट पाउडर। बस यही चीज़ें हैं गाइज, इन्हीं के थ्रू मैं अपना मेकअप क्रिएट करूँगी रक्षाबंधन वाले दिन जब मैं रेडी होंगी और कोशिश करूँगी गाइज कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर सकूँ मेरी वीडियो जो भी मैं करूँगी। नेक्स्ट है गाइज मेरे पास सैनिटाइज़र जो कि है बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी। सैनिटाइज़र मैंने दो लिए हैं गाइज, एक मेरे लिए जो मेरे बैग में रहेगा और एक बच्चों के लिए जिसको मैं बच्चों की पॉकेट में शिफ्ट कर दूँगी। नेक्स्ट है गाइज मेरे पास ये हैंड पाउच और इसके अंदर बेसिकली मैं रखती हूँ मेरा थोड़ा बहुत कैश, थोड़े बहुत यहाँ पर कार्ड्स एंड फैमिली फ़ोटो जो पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होती हैं वो, एंड इसके बाद में गाइज यहाँ पे मेरी मम्मा का फ़ोटो भी है, काफ़ी दिन से इसी में है। एंड ये है मेरा कृष्णा जब 3 साल का था गाइज तब की फ़ोटो है ये और जब से ये मेरे बैग में ही है और ये आपको दिख रहे हो शायद ये पापा हैं, इनका फ़ोटो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। और यहाँ पर है मेरे पास पेपर सोप गाइज जो कि हमेशा मैं सफ़र में साथ लेकर चलती हूँ, पेपर सोप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अरे थोड़े से साइड हो जाओ ना मम्मा, थोड़ा सा वीडियो बोल रही है ना। और बस यहाँ पे ये पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है गाइज एंड यहाँ पर मैं थोड़ा सा कैश रखती हूँ अपना। एंड इसमें भी गाइज आपको पुदीन हरा की टैबलेट मिल जाएगी जो कि परमानेंट इसमें ही पड़ी रहती है, मैं हमेशा इसमें डाल के रखती हूँ। एंड यहाँ पर एक छोटी सी जिप है, इसमें भी मेरा कैश है और इसके अंदर भी मेरा कैश है गाइज। और इसमें एक है ये बिंदी वाली डायरी जो कि हमेशा मैं इसमें ही रखती हूँ, मैं कभी निकालती नहीं इसकी, मुझे इसको मैंने अभी तक गाइज सिर्फ सफ़र में ही यूज़ किया है, मैं रेगुलर कभी यूज़ नहीं करती इस डायरी को। सो इस टाइप की डायरी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है गाइज, हमेशा अपने पर्स में डाल के रखना चाहिए। सो ये था मेरा कुछ थोड़ा बहुत सामान गाइज। सो बहुत ज़्यादा सामान मैं कैरी नहीं करती हूँ गाइज क्योंकि मैक्सिमम सामान मम्मी के यहाँ मिल ही जाता है और इतने से सामान में भी मम्मी हमेशा बोलती है कि इतना सामान क्यों लेकर आते हो यहाँ पर, ऑलरेडी इतना सारा सामान तो रहता ही है, बट फिर भी यार मन नहीं मानता ना तो मैं थोड़ा बहुत लेकर चलती हूँ साथ में। सो गाइज अभी मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ और लेट्स सी मैं किस तरह से रेडी होती हूँ सफ़र के लिए, क्योंकि गाइज वैसे मेरे घर का बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है गाइज, 2-2.5 घंटे का ही रास्ता है, बहुत ज़्यादा लंबा तो नहीं है, लेकिन स्टिल गाइज गर्मी बहुत ज़्यादा है। सो मैं सोच रही हूँ कुछ लाइट सा ही मेकअप रखूंगी अपना। सो या मैं भी फटाफट से रेडी हो जाती हूँ। उसने कहा देखी खुशियाँ रोज अलबेली, जिस घर के अंगना बिटिया ना खेली। बस एक ही है
झड़िए बेटियां है आंसुओं की एक झड़ी। फाइनली दिस इज माई फाइनल लुक। आई होप आपको ये लुक पसंद आया होगा। सफर के लिए इसी टाइप का मेकअप और इसी टाइप का लुक ज्यादा सुटेबल होता है और गर्मी भी बहुत ज्यादा है बाहर। सो अभी 15 मिनट है गाइस, 15 मिनट में हम लोग निकलने वाले हैं। उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करती हूँ हमारी जर्नी ग्वालियर टू आगरा। और आप देख सकते हो गाइज मेरी मेहंदी काफी अच्छा रंग आ चुका है मेरी मेहंदी पे। सो